राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने युवाओं में हाइपरटेंशन जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर अपनी गहरी चिंता जताई है। राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की समिति के 66वें सत्र और स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस इलाके में देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 3.8% ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करते हैं और इस इलाके में विभिन्न बीमारियों की मूल वजह उन्होंने गरीबी को बताया। दिस रीजन सिंस इट हाउसेस 1.79 बिलियन पीपल व्हिच इज 26.4% of the global population. 46% of the population in this region is living below poverty line. A significant portion of the disease burden in this region, more than 28%, arises from the communicable disease, maternal and perennial conditions and nutritional deficiencies, which are closely knitted with poverty. इधर पोलियो से लड़ाई में भारत की कामयाबी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक मार्गरेट चान ने भारत के कदमों की तारीफ की है तो स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद जताई कि अगले 4 महीने में भारत पोलियो मुक्त हो जाएगा। कंट्रीज इन द बिग 12, 194 ऑफ देम वर स्पेकुलेटिंग वेदर इंडिया कैन इंटरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो। You did it, India, you did it. For 30 months, you have not got a single case of polio. When we are just 4 months away from becoming a polio-free country, as has been mentioned by Director General, the long and worthwhile journey has been made possible due to the strong political will and continuous leadership at the highest levels of the government and undivided support of WHO, translating into adequate financial resources, vastly improved coverage, quick response times, adoption of technological innovations, dedicated officers in the ministry, and massive efforts by more than 2 million volunteers. मालूम हो कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना शुरू होने से पहले ही कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के खिलाफ अपना अभियान सन 2010 में शुरू कर दिया है। इस पायलट योजना के तहत भारत में डायबिटीज के लिए 4.30 करोड़ और 3.80 करोड़ लोगों की जांच हाइपरटेंशन के लिए की जा चुकी है। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज, दिल्ली।